वाह भाई वाह, एक खूबसूरत सनसेट के साथ हम हाजिर हो गए हैं मंडी में। और गैस करें ये मंडी कौन सी होगी जिधर मैं खड़ा हूँ इस वक्त। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं किधर खड़ा हूँ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खुश बादशाह खैर वक्रिया से वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कि आपका भाई मंडी में निकल आया जी। तो अभी भी मैं पहुँचा जी वजीराबाद रोड वाली मंडी पे, ठीक है। और यहाँ पे बछड़े उतरे मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दो ट्रक भी बकरों के उतरे, लेकिन मुझे बकरे नजर नहीं आए कि बकरे किधर तितर बितर हो गया। मैं पूरा वजीराबाद रोड गोकी तक सारा फिर के वापस आया, लेकिन देसी बकरा मुझे कोई नहीं नजर आया। पता नहीं कहाँ लेके गायब हो गया। दो ट्रक कहाँ आया जी, तूफान लोड हुए हैं। मुझे एक बंदे ने बड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ने खुद लाइव देखे हैं दो ट्रक उतरते हुए। तो वो इधर का नाम है रहमत मैरिज हॉल के पास, लेकिन रहमत मैरिज हॉल के पास ही तो मुझे यहाँ पे बकरे कहीं पर नहीं नजर आए। तो बकरे नजर नहीं आए, लेकिन हमें आ गए हैं बछड़े नजर, ठीक है। तो यहाँ पे बछड़े आए हैं, तो नौ को बछड़े हैं, देसी क्रॉस के बछड़े हैं, हल्के वेट के हैं, ढाई तीन मंथ साढ़े तीन मंथ भी मेक आधा है, तो चार मंथ पे राउंड बाउट होगा, बाकी सारे इसी वेट में हैं। और प्राइजेस लेते हैं, प्राइजेस से पूछते हैं क्या प्राइजेस हैं आप, बाकी लोग आ रहे हैं रुक रहे हैं, रेट शेट पूछ रहे हैं, कुछ बहस भी कर रहे हैं, मतलब लेना लूना भी किसी ने नहीं है, मतलब चस्का चुस्के लग रहे हैं। तो ऐसी बात सिलसिला जारी है। तो अभी हम भी करते हैं जाकर रेट शेट पूछते हैं, एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों की भी राय लेते हैं कमेंट सेक्शन में कि जी रेट आई हैं कि लोग हैं वजीराबाद रोड वाली मंडी में। तो जी माल आ गया जी वजीराबाद रोड वाली मंडी में, ये भरा थोड़ा हो गया से हाजिर। तो आप लोगों की जी प्यार सपोर्ट जो है ना वो जरूर चाहिए। तो चले अपनी आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वीडियो पूरी तक देखनी है स्किप नहीं करते। ढाई लाख मुंह धोंदा ठीक जी। साहिवाल देसी बछड़ा और मीट वेट बताते रहे हूँ, तो तीन को मन के पास तीन सवा तीन मन मीट वेट में हाइट अच्छी है जानवर की, नाम ज़्यादा अच्छी। आज ही बछड़े आए हैं, अभी जानवर थोड़े लिस्से हैं ठीक है, अभी एक आधा दिन इनको लगेगा ठीक होने में। तो ढाई लाख रुपए जी इसकी डिमांड की जा रही है, बाकी जो है सौदा वो मौके पे हो जाएगा आपके साथ। बाकी आपको ये दिखाते हैं जी, इधर है किन्ने दान दी, हाँ किन्ने दान दी, चौगा ये जी चार दान जानवर है, देसी क्रॉस में बछड़ा, रंग काला ग्रे ठीक है जी। और मीट वेट में बताता जाऊँ तो ये तकरीबन कोई साढ़े तीन मन के राउंड बाउट जानवर है। कहते किन्ने पैसे नहीं, तीन सत्तर ते पैसे थोड़े ज़्यादा नहीं है, है? अरे जी ये देखें जी 3,70,000 रुपया इसका मांगा जा रहा है। और इधर एक ये चीना खड़ा जी, चीना धोंदा है चौगा, अभी अभी धोंदा है। सारे बछड़े जो से ना ढाई मंथ से लेके तीन साढ़े तीन मंथ तक का एक भी जो काला पीछे बड़ा खड़ा वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सीधा करना बछे न। ये देखें जी ये बछड़ा आ गया जी, चीना देसी करा बछड़ा है कि नहीं दही, ये जी 2,70,000, ये था 3,70,000 का, ये 2,70,000 का है की रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हो हैं। अच्छा जी हम दूसरे नंबर पे आ जाए, इधर होना और अगे हो अदर पीछे होगा, ये जी साहिवाल देसी क्रॉस में सारे ही साहिवाल देसी क्रॉस में बछड़े हैं ठीक है। ये लाल लाल किन्ने दान दी, चौगा ये बछा तकरीबन है कोई चार सवा चार मन के पास ना, पैसे किन्ने नहीं आते, साढ़े तीन
3.5 लाख रुपया जी इसका फाना जा रहा है। ये बछड़ा जो साहब देख रहे हैं ना 3.5 लाख रुपया, और जानवर अभी लिस्से लिस्से हैं जानवर अभी। जो ये जी गोल्डन रंग ये ढग्गा है कि नहीं दी दौंदा ये जानवर है ढग्गा लेकिन जानवर अच्छा है। ये तकरीबन 4 घूमन के पास जानवर होगा मीट वेट में। ये किन्ने पैसे नहीं 3.5 लाख रुपये जी 3.5 लाख रुपये इसका महंगा जा रहा है। फिर इधर हो जाए तो ये भी एक खड़ा है साहिवाल देख रहे हैं। ये जानवर जरा सींगों में अच्छा क्वालिटी में अच्छा, बाकी जो जानवर है उनमें से क्वालिटी में कुछ बेहतर है। अरे कितने पैसे नहीं 2.5 लाख रुपये जी इसका महंगा जा रहा है। आइए का रेट लग गया सुबह का, आइए का कोई नहीं आया। अच्छा ये दौंदा माशाल्लाह जी दो दांत जानवर है जानवर अच्छा ठीक है। लेकिन बस ये बहुत ज़्यादा है जी इस बार। अभी आपको जी ये ब्लैक ब्यूटी दिखाते हैं माशाल्लाह। ये जानवर जितने भी खड़े हैं सारे जानवर से ये जानवर बड़ा खूबसूरत है। अच्छा सारी तुम ना की वो बड़े सिंगा ला माल पाया है ऐ की दौंदा की है चौगा जानवर है जी। जालर अच्छी है ना भी चुलस्तानी चीनी के अंदर है और माशाल्लाह तक भी है 4.5 मन के राउंड बोट मीट वेट में ना 4-4.5 मन। और मुल की है 3.5 ते ओ दे नाल दा जेड़ा अगला ओ विस्कार हां विस्कार ओदा 270 तो ये जी 3.5 लाख रुपया इसकी डिमांड है। और ओ दरमियान में एक ठगा खड़ा हुआ वो भी 2,70,000 रुपये का। अंदर जाने की जगह नहीं है इसलिए मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ। तो अभी इधर ये कस्टमर आए हैं लोग क्योंकि वो रोड के ऊपर ही है ना तो आए हैं देख रहे हैं जानवर। अभी इस रोड पे ना यही आए हैं बस बछड़े जोन से ही आए हैं और बकरे अभी मुझे इधर नज़र नहीं आए तो बकरे जैसे ही आएँगे वो भी आपको दिखाएँगे। अभी कस्टमर आए हैं देख रहे हैं क्या बनता है फील का सौदा वगैरह होता है कि नहीं होता। अगर होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी प्राइसेस आपको बता दिए हैं 9-10 जानवर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जानवर हैं जी टोटल। तो 9 जानवर जो से है ना आज आगे हैं वज़ीराबाद रोड वाली मंडी जो सी है ना वो लग गई है ठीक है। शुरुआत हो गई है आपके भाई ने पहली वीडियो बना दी है वज़ीराबाद रोड की। तो इंशाल्लाह अब आगे नेक्स्ट आपको पूरा सियालकोट कवर करके हम दिखाएंगे और पूरे सियालकोट से ना आपको हम मंडी की अपडेट्स देंगे। तो माशाल्लाह जानवर आपने देख लिया, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। और ये जी छोटा सा बच्चा इसने मुझे सारे रेट बताए। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद उमर कौन से इलाके से आए हो? ये सामने पिंड से हो आप? अच्छा अच्छा सियालकोट शहर गई हो ठीक है जी। ये अभी मतलब कि अपने सियालकोट के है ना ये सामने साइड पे ये सनसेट भी आप इंजॉय करें और इधर ही इनका सामने साइड पे पिंड अंदर इन्होंने अपने घर में रख पाले हैं सारे ठीक है पिंड में ही सारे इधर। तो ये घर के बच्चे हैं कि लिए हैं खरीदे हैं मंडी से? खरीदे हैं मंडी से। अच्छा तो पाला कोई नहीं है इनमें से? अच्छा सारा अच्छा जी मैं गलती ये सारे इन्होंने मंडी से खरीदे हैं ठीक है। अभी देखते हैं अभी एक कस्टमर्स देख रहे हैं देखो क्या बनता है रेट रेट सेट होता है कि नहीं होता। बाकी ये है कि मैं अभी ब्रांड करूँगा क्योंकि आपको पता अभी सब कुछ है ना वो चक्के ही लगाएंगे अभी प्रॉपर देगा तो गर्मी बहुत है बड़ा जानवर संभालना जरा ज़्यादा मुश्किल। बकरे फिर भी संभाले जाते हैं बकरों का थोड़ा लुक ऑफ हो जाता है लेकिन जो बड़ा जानवर है वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी वीडियो को यहाँ पर करते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें इस तरह की मज़ीद वीडियो करेंगी आप लोगों को एंटरटेन करता जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक दे मुझे इजाज़त अलाने के बाद अल्लाह हाफिज़।